हेलो गाइस, तो जैसे कि स्क्रीन देख पा रहे हो अपन इस तरह का फ्री फायर बैकग्राउंड चेंज करना सीखेंगे गाइस, जो कैसे एडिटिंग करते हैं ऐसा वीडियो और गाइस कैसे चेंज करते हैं बैकग्राउंड में, इसके बारे में पूरी प्रोसेस बताऊंगा वीडियो में चलते हैं। तो काइन मास्टर में वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। आपको सबसे पहले तो काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। काइन मास्टर ओपन करने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करना और गाइस यहाँ से 16:9 का फ्रेम चूज करके इसमें आपको इस तरह का इंटरफेस खोल लेना है, ठीक ना। अब इस तरह से खोलने के बाद क्या करो गाइस, यहाँ से जो फ्री फायर की आपने वीडियो एक्सपोर्ट की थी, जो कि आपने मतलब कि रिकॉर्डिंग की थी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ठीक ना, अब उस वीडियो को आपको ले लेना है। तो गाइस मैंने यहाँ की जगह से कुछ वीडियो ले रखी, तो मैं देख लेता हूँ इसमें ट्रांजेक्शन कोड कौन कौन सी वीडियो होती है। जैसे कुछ अपना वीडियो जो मेरा रिकॉर्डर है जो ट्रांजेक्शन कोड मांगता है, और गाइस कोई का क्या होता है डायरेक्ट हो जाता है। तो मैं गाइस इस वीडियो को थोड़ा सा कर लेता हूँ एक्सपोर्ट। तो गाइस अपनी ट्रांजेक्शन कोडिंग हो गई है वीडियो, ठीक ना। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइस आपको बैक आ जाना, बैक आने के बाद क्या करना गाइस, इसका इंटरफेस देखना है, ठीक ना। अब यहाँ से अपन देख सकते हो यहाँ की जगह इसको से वीडियो आएगा, तो वीडियो आएगा तो अपन क्या करेंगे, पहले तो इसका इस तरह से यहाँ से चेंज कर लेते हैं, ठीक ना, यहाँ से इस तरह से कर लेते हैं। और क्या करते हैं, थोड़ा सा अपन जो हेड मार रहा है यहाँ से वीडियो को स्किप कर लेते हैं इस तरह से, ठीक ना। अब इस तरह से करने के बाद थोड़ा सा और वीडियो को करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लेते हैं अपन इस तरह से, ठीक ना। तो थोड़ा सा वीडियो को स्किप करेंगे यहाँ की जगह से अपन इतना वीडियो को कटिंग करेंगे, ठीक ना। तो अब ये देख लेना है, ठीक ना, इस तरह से देख लेंगे, थोड़ा सा और वीडियो को स्किप करेंगे। जो अपना हेड चालू होगा गाइस वहाँ की जगह से अपन को इस वीडियो को स्किप कर लेना है, जो बंदा भगता है वहाँ की जगह से, ठीक ना। तो जैसे कि अपन देख लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा मैं वीडियो को कर लेता हूँ, ठीक ना। अब यहाँ से अपनी पूरी प्रोसेस चालू होगी। सबसे पहले क्या करेंगे, अपन वीडियो को कटिंग करेंगे इस तरह से, ठीक ना। तो अपन जो लेफ्ट साइड का फालतू पार्ट काट देंगे। अब क्या करेंगे, इस यहाँ से अपन इस तरह से कर लेंगे। इस तरह से करने के बाद क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ से इतना और कटिंग कर लेते हैं, ठीक ना। इतना और कटिंग करने के बाद आपको कैंची के ऑप्शन पर जाना और लेफ्ट साइड में कटिंग कर देना। अब फर्स्ट में आ जाना, फर्स्ट में आने के बाद क्या करना, आपको लेयर के ऑप्शन पर जाना और मीडिया ऑप्शन क्लिक कर लेना है। मीडिया ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ से इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करना, और गाइस यहाँ से अपन क्या करेंगे, यहाँ से एक बैकग्राउंड इमेज ले लेना है आपको, ठीक ना। इस तरह का बैकग्राउंड इमेज लेने के बाद इसको इस तरह जूमिंग कर लेना है। जूमिंग करने के बाद क्या करना गाइस, इस तरह से आपको कन्वर्ट करके और यहाँ की क्रॉपिंग को ऑप्शन पर जाना, क्रॉपिंग को ऑप्शन पर जाना, इसे एनेबल करके और इसको ऑप्शन क्लिक करना और इसको गोल इस तरह से कटिंग कर लेना है, ठीक ना। कटिंग करने के बाद क्या करना गाइस, इसको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद क्या करना गाइस, यहाँ से आपको फिर से बैक आना और आपको जिस कलर ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पर जाना है, यहाँ से क्या करना गाइस, इसका कलर ऑब्जेक्ट कर लेना है, जो कि कलर ग्रीन कर लेना है, ठीक है। अब इस तरह से अपन इस वीडियो को अपन क्या करेंगे गाइस, इस तरह से अपन को देख लेना है, ठीक ना। देखने के बाद जहाँ तक ठीक आ रहा है, ठीक आने के बाद क्या करेंगे गाइस, यहाँ से अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा और वीडियो को जूमिंग इस तरह से कर लेते हैं, ठीक ना। यहाँ तक अपना क्या होगा, वीडियो ठीक रहेगा, ठीक ना। अब क्या करेंगे गाइस, इसको क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। तो अपन थ्री डॉट पे जाएंगे, इसका एक डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद आपको इस तरह से इस बैकग्राउंड को घुमा लेना है, ठीक ना। घुमाने के बाद इतना कर लेना है, इतना करने के बाद आपको फिर से थ्री डॉट पे जाना और एक और डुप्लीकेट कर लेना और इस तरह से इसको भी घुमा लेना है, ठीक ना। घुमाने के बाद अब आपको देखना है, ठीक ना, इतना अपना ठीक रहेगा। और देख लेते हैं, थोड़ा सा और घुमा लेंगे, इस तरह से कर लेना है। इस तरह से करने के बाद क्या करना गाइस, आपको फिर से इसे क्लिक करना, थ्री डॉट पे आना और इसका एक और डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद आपको इस तरह से घुमा लेना और आपको नीचे जाना है इस तरह, ठीक ना, इतना कर लेना है। इतना करने के बाद देख सकते हो इतना अपना वीडियो आ रहा है। अब इतना वीडियो आ रहा है तो आप क्या करना गाइस, इनको डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद आपको क्या करना, इस पर डुप्लीकेट करना और एक लेयर क्या करना, इसको डुप्लीकेट करने के बाद आपको देख लेना कौन सा है ये, ठीक ना। तो अपन उसी हिसाब से वीडियो को देख लेते हैं, इसको बढ़ा देना है लेयर को, ठीक ना, इस तरह से। अगर ये बंदा नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये बंदा भी कटिंग हो जाएगा, ठीक ना। अगर आपका ग्रीन स्क्रीन में बंदा आ जाएगा तो ये भी कटिंग हो जाएगा। तो ये बड़े ध्यान से आपको इसका कर लेना इस तरह से, ठीक ना, इस तरह से कर लेंगे अपन। और क्या करेंगे, इसका लेयर भी कर लेते हैं, जो अपना बैकग्राउंड हैगा इसका भी कर लेते हैं और जो हैगा इसका भी अपन कर लेते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से आप देख लेना अपनी वीडियो चला के थोड़ा, तो अब इस वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ठीक ना। तो अपन देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे कटिंग तो नहीं होगा बंदा, हाँ तो गाइस अपना बंदा कटिंग नहीं हो रहा, ठीक ना। तो अपन ये वीडियो देख लेते हैं कौन सा अपना पूरा स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इतना कर लेना है, ठीक ना। अब क्या करना गाइस, इस वीडियो को आपको एक्सपोर्ट कर लेना है यहाँ की जगह से जाकर, ठीक ना, इस तरह से एक्सपोर्ट कर लेना है। तो कुछ सेकंड मांगेगा अपना, तो अपन इस वीडियो को एक्सपोर्ट हो जाने देते हैं, ठीक ना। आपको पहले इस तरह को एक्सपेक्ट कर लेना है गाइस, अपना एक्सपोर्ट वीडियो होगा तो आप क्या करना गाइस, आपको बैक आना है। बैक आने के बाद क्या करना गाइस, यहाँ से आपको फिर से लेयर पे जाना और आपको वही फ्रेम आपको चूज़ करके और गाइस नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है।
नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, इस सेटिंग को ऑप्शन पे जाना है, फिर जो एडिट में क्लिक करना है, फिल स्क्रीन करके आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद क्या करना है गाइस, आपको पेन के ऑप्शन पे चले जाना है। पेन के ऑप्शन पे क्यों जा रहे हैं गाइस अपन, क्योंकि इसमें बैकग्राउंड इमेज लेंगे, ठीक ना। और गाइस ऐसे इमेज कहाँ से डाउनलोड करते हैं मैं लास्ट में वीडियो में बताऊँगा, तो आपको वीडियो को मिस बिल्कुल नहीं करना है, तो ठीक ना। तो अपन कुछ बैकग्राउंड इमेज ले लेते हैं जो कि मैंने पहले से डाउनलोड कर रखे, तो अपन यहाँ पर जिन पेन में नहीं है शायद, अपन देख लेते हैं, मैंने दूसरी साइट से डाउनलोड करे थे इसलिए, तो अपन देख लेते हैं गाइस। यहाँ से आपको वो फोटो सेलेक्ट कर लेना है इस तरह, ठीक है ना। जो बैकग्राउंड के मैंने HD क्वालिटी में कहाँ से फोटो डाउनलोड करे थे इसके बारे में मैं आपको लास्ट में वीडियो में बता दूंगा, ठीक ना। इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना। अब क्या करना गाइस, इसका लेयर थोड़ा थोड़ा आपको छोटा कर लेना है। क्यों कर लेना है, क्योंकि गाइस अपना जितना बड़ा वीडियो है उसके हिसाब से अपन इस लेयर को रखेंगे, और आप चाहो तो इसको काइनमास्टर बड़ी वीडियो बना सकते हो, ठीक ना। अब क्या करना गाइस, आपको लेयर पर जाना है, मीडिया ऑप्शन क्लिक कर लेना है। मीडिया ऑप्शन क्लिक करने के बाद जो वीडियो अभी आपने एक्सपोर्ट की थी उस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद क्या करना गाइस, इस तरह से आपको जूमिंग कर लेना है। जूमिंग करने के बाद थोड़ा सा वीडियो को स्किप करना है और आपको नीचे जाना है क्रोमा की के ऑप्शन पे, ठीक है ना। क्रोमा की के ऑप्शन पे जाने के बाद इसको अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद क्या करना गाइस, आपको आपके हिसाब से आप इस वीडियो को आपको जूमिंग कर लेना है, ठीक ना, जितना चाहो आप, ठीक ना। इस तरह से करने के बाद आपको देख लेना है आपका वीडियो कैसा आ रहा है। और इसके बाद क्या करना गाइस, आपको बैक आना है। बैक आने के बाद क्या करना गाइस, यहाँ से आपको इसका क्रॉपिंग के ऑप्शन पे जाना और इसको अनेबल करके इसका रोटेट आपको इस तरह से 100% कर देना है, ठीक ना, 100% कर देना है। 100% करने के बाद क्या होगा गाइस, इसको जैसा इंटरफेस आएगा आपकी वीडियो को, और थोड़ा बहुत कटिंग करना चाहते हो गाइस कर सकते हो, अदरवाइज आपकी वीडियो कुछ कंप्लीट हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ चला के वीडियो, तो गाइस देख सकते हो अपना वीडियो को जिस तरह से आने लगेगा, ठीक ना। तो यहाँ की जिनसे अपने क्या होगा गाइस, अपना वीडियो बड़ी मस्त एडिटिंग हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से एडिटिंग करना पड़ेगा आपको, बस इतना ही प्रोसेस है। तो गाइस मिलते हैं स्टूडेंट, जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।